हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मशीन पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास इलेवेंथ की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है जिसका नाम है हॉर्नबिल इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास इलेवेंथ कोर कोर्स, तो इस बुक का जो पहला लेसन है, क्या कौन सा लेसन है फ्रेंड्स, ये देखिए जो पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसको लिखा खुशवंत सिंह ने। तो इस लेसन का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर, ऑल क्वेश्चन आंसर, इस पाठ का अनुवाद, सभी क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, सब कुछ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ बताऊंगा आप लोग अच्छी तरह देखना, और यदि आप इन क्वेश्चन आंसर्स को जो मैं बताऊँगा उनको नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा पहला पार्ट है, हमारा पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसको लिखा खुशवंत सिंह ने। फ्रेंड्स, राइटर का नाम आप लोगों से नहीं भूलना चाहिए, प्रत्येक लेसन का आप लोगों को राइटर का नाम, पोएट का नाम याद रहना चाहिए और लेसन का नाम याद रहना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अब हम। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस पुस्तक से पूरा सोल्यूशन बताऊँगा जो कि शिवलाल हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए इंग्लिश क्लास इलेवंथ का जो पार्ट वन है हॉर्नबिल, तो उसकी दिग्दर्शिका है। तो इसके थ्रू मैं आप लोगों को इस पार्ट का जो पहला पार्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो इस पार्ट का हिंदी अनुवाद सब कुछ दिखाऊंगा इस पुस्तक के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, लेसन वन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसका मतलब होता है एक महिला की प्रतिकृति, और इसको लिखा खुशवंत सिंह ने। तो आप लोग क्रम से इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। ये फ्रेंड्स थोड़ा लेसन के बारे में चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या इस लेसन में है, इस लेसन के जो भाव हैं वो कैसे दिए गए हैं, उनका अर्थ जान लीजिए। तो ये है उसके बारे में, तो आप लोग इसको देख लीजिए। तो फिर शुरू होता है हमारा लेसन। तो दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन एंड ट्रांसलेशन है, पहले तो आपका लेसन है मीनिंग्स, फिर उसका जो प्रोनाउंसिएशन भी करके दिया गया है, फिर उसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। तो मैं क्रम से दिखाते जाऊंगा, आप लोग अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना, ताकि आप लोगों को पाठ को समझने में आसानी हो, जिससे आप लोगों को यह पाठ पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए देख लीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके बाल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा देना, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। ओके, तो देख लीजिए, यह इसका हिंदी अनुवाद। फिर है दूसरा फेज, यह तीसरा फेज, फिर है हमारा चौथा फेज, चौथे फेज का यहां हिंदी अनुवाद दिया गया है। फिर है फ्रेंड्स पांचवा फेज, फिर है हमारा छठवां फेज,
फिर है सात, फिर है छठवें फेज का हिंदी अनुवाद, तो आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए फ्रेंड्स कि क्या है यह पाठ, किस तरह का यह पाठ है, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं, इस पाठ में इस पाठ का मतलब क्या है, तो सब कुछ देख लीजिए। फिर है सातवां फेज, फिर है आठवां फेज, फिर आठवां फेज, फ्रेंड्स मैं फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा देना, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक फ्रेंड्स जरूर करना। फिर है नौवां फेज, फिर है नौवें फेज का हिंदी अनुवाद, फिर है दसवां फेज, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, तो इसमें भी क्वेश्चन आंसर है, तो इनको भी देख लीजिए, सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फिर है टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, तो इसमें भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं,
तो इनको भी देखना पड़ेगा, तो देख लीजिए। तो जो चौथा क्वेश्चन है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोगों को अपने से सोचना पड़ेगा, फिर इसका आंसर ढूंढ करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ जो चौथा क्वेश्चन है, और यहाँ जो आप लोगों का यहाँ भी चौथा क्वेश्चन है, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन सर्वाइस समाप्त होते हैं, फिर है वर्किंग विद वर्ड्स, तो आप लोग इनको भी अच्छी तरह से देख लीजिए क्या कहता है यह। तो फ्रेंड्स तो हमारा लेसन वन का जो फुल सॉल्यूशन है वो समाप्त होता है। मैंने लेसन वन के जो संपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेसन के बारे में उसका हिंदी अनुवाद सब कुछ दिखा दिया है, और आई होप आप लोगों को लेसन समझ में आ गया होगा। यदि लेसन समझ में ना आए तो एक दो बार एक और देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।